वेलकम टू मॉम्स बेबी बी हू भावसार। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स की ड्रीमलैंड की बुक, जो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और अगर आपको अच्छी लगती है मैथ्स की वो बुक और आपको सिलेबस की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड होने के कारण आजकल बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप वो बुक परचेज कर सकते हैं और बच्चों को घर में ही पढ़ा सकते हैं। अगर उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं तो भी ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है बच्चों के लिए। थैंक्स, प्लीज़ शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक फ्रेंड्स, ये बुक आपकी जो है वो LKG और UKG के लिए है, तो आइए शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, ये LKG और UKG के मैथ्स की बुक है। इसमें आप देख पा रहे हो सबसे पहला टॉपिक है बिग और स्मॉल। ये बच्चे को नर्सरी से ही कराना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं अप डाउन, इन आउट, ये सब जो टॉपिक है ये आने ही चाहिए बच्चों को। 0 to 9 तक उसको रिटर्न करना है इसमें। फिर देख लीजिए ऑब्जेक्ट्स उसको खुद बनाने हैं। आफ्टर इसी तरह इसमें फिर 19 तक दे दिया उन्होंने, काउंट एंड राइट है। ये बहुत ही प्यारी बुक लगी मुझे। इसमें मिसिंग नंबर आ गए बिटवीन। आपको ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं बच्चे को क्या कराऊं। आप इसी की हेल्प से बच्चे को अपना पूरा UKG का सिलेबस और LKG का इवन सिलेबस कंप्लीट करा सकते हो। LKG का तो ठीक है, UKG में कुछ एक्स्ट्रा होगा जो आपको फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फर्दर, लेकिन LKG के लिए ये परफेक्ट है। इसमें आपकी ट्रेसिंग आ गई, काउंट राइट आ गए, नंबर्स आ गए, ये फ्लावर्स हैं आपके देख लीजिए, कम्स आफ्टर, इसमें आफ्टर है, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन इसमें। और इन्होंने बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, जैसे ये देखिए ये 0 to 39 है, इसी तरह पीछे भी हैं वो आप देखिएगा, 1 to 10, 20 to 30, इस तरह से ये 0 to 9 आ गए। बिफोर का टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, मुझे ऐसा लग रहा है। ये फिर आ गया आपका थिन एंड थिक का टॉपिक, इसमें हैवी लाइट, इसमें सब कुछ है A to Z, हर चीज। 0 to 49 मेन बात इसकी यही है कि इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है हर चीज, और जीरो से शुरू कराया है बच्चे को, ऐसा नहीं बीच में कुछ भी करवा रहे हैं। तो मुझे ये बुक काफी अच्छी लगी, आप चाहें तो रेफर कर सकती हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से दिखा देती हूँ। इनमें बताना बच्चे को सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बैलून्स में। ये आप चाहो तो खुद पेंटिंग कर सकते हो अपने हाथों से, बैलून बनाओ, ये बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि एक बुक परचेज की जाए। और हाँ, मुझे अगर ये बच्चे को 2-4 बार पेजेस कराने हैं तो मेरे पास पॉकेट्स हैं, रीयूजेबल शीट्स हैं, बहुत कुछ है, तो मुझे चलता है एक बुक उसको 5 से 10 बार आराम से करा सकती हूँ मैं। वैसे तो मैंने आपको दिखाया है उसको, अभी मैं जो करा रही हूँ कैलेंडर है पूरा, ये अभी उसका थोड़ा टाइम बाद शुरू करूंगी, और वो अभी 3 साल 3 महीने की ही है, पर आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे इसलिए आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह है ये पूरी बुक, इसमें बच्चे को काउंट करके लिखना है सब। इसमें ये देखिए ये मैच करना है, और यहाँ पे फिर उसे नंबर लिखना है, जैसे 6 है तो ऐसा ही 6 है ना। और ये भी देखिए इसमें 10 to 10 लिखना है, TEN 10 बार बार लिखना है। ये थोड़ा सा डिजाइन में आता है तो बच्चा थोड़ा खुश होके कर लेता है। ये उसको प्लस और माइनस भी इसी क्लास में सिखा दी जाती है। वैसे आप ये UKG में सिखाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर LKG में भी चल सकता है। ये उसका प्लस आ गया, काउंट एंड राइट। इसमें इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लिखा हुआ इन्होंने कि 1 लीफ को कलर करो, फिर कितने कलर नहीं है वो बताओ। इसी तरह 20 में है कि 3 को कलर करो, कितने नहीं है वो बताओ। इससे बच्चे का मैथ्स का कॉन्सेप्ट जो है माइनस का वो इजीली अच्छा हो जाएगा। इसी तरह इन्होंने यहाँ पे पिक्चर्स में दिया है, तो सॉरी यहाँ पे उन्होंने रिटर्न में दे दिया है। ये एक अच्छी एक्टिविटी बुक है जो मुझे लगता है कि बच्चे के मैथ्स के लिए इनफ है। अगर आप उसे मैथ्स सिखाना चाह रहे हो और आपको सिलेबस का कुछ आइडिया नहीं है, तो आप ये बुक आराम से अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू।